स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने भाजपा के विधायक मधु गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। विपिन वानखेड़े ने एक वीडियो दिखाते हुए आरोप लगाया कि आगर मालवा के विधायक मधु गहलोत ने एक सुनील व्यास नाम के व्यक्ति पर प्राणघात हमला करवाया है। किस कारण से उसकी यह पिटाई करवाई है यह तो सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो वीडियो दिखाया है, वीडियो के जरिए यह दिखाया गया है कि पीड़ित व्यक्ति और उसके भाई ने बताया है कि भाजपा के विधायक ने अपने लोगों से उसकी पिटाई करवाई है। उनका कहना है कि यह 2 तारीख को घटना हुई थी और आज 6 तारीख हो चुकी है, अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपिन वानखेड़े ने कहा कि विधायक पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, मगर विधायक मधु गहलोत ने अभी तक किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हम आगर मालवा के SP कार्यालय का घेराव करेंगे, DGP को भी शिकायत करेंगे और मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। यह शिकायत करने का उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ पिटाई हुई है उसे न्याय नहीं मिल रहा है और जो दोषी है उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वह चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले और जिन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया उन पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही विधायक को सामने आकर मीडिया के यह सफाई देना चाहिए। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। एक व्यक्ति है सुनील व्यास नाम से, जिसके मैंने आपको वीडियो फुटेज दिखाया, जिसका बयान मैंने आपको दिखाया और उसके भाई का बयान मैंने आपको दिखाया वीडियो में। सुनील व्यास को 2 तारीख को रास्ते में रोक के 3-4 लोगों ने रोक के उसके साथ मारपीट करी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, जान से मारने का उसका प्रयास था। 2 तारीख की घटना है, आज 6 तारीख हो गई। हालात इतने बुरे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये स्पष्ट तौर पे आरोप लगा रहा है, स्पष्ट बयान दे रहा है कि मुझ पे हमला आगर के भाजपा के विधायक मधु गहलोत ने करवाया है। लेकिन 2 तारीख की घटना होने के बाद आज 6 तारीख हो गई, 4 दिन से आज दिन तक के पुलिस ने उसकी कोई सुध नहीं ली, पुलिस ने आज दिन तक के कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया। 2 लोगों को आम जनता ने स्पॉट पे ही पकड़ लिया, स्पॉट पे पकड़ के पुलिस के हाथों उन्हें किया, लेकिन उन लोगों को भी पुलिस ने छोड़ दिया। यहाँ तक के तो ठीक है, हालात इतने बदतर हैं कि जो फरियादी है वो फरियादी छुप के आगर से कहीं दूसरी जगह पे जाके छुप के 4 दिन से अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि हमला होने के पहले भी लगातार उसको धमकियां मिल रही थी और हमला होने के बाद भी लगातार उसको धमकियां मिल रही हैं। धमकियां विधायक और विधायक के गुंडे दे रहे हैं, वहाँ तक के तो ठीक है, पुलिस खुद भी उन्हें धमकियाँ दे रही है और दबाव बना रही है कि ये मारपीट की घटना नहीं है, आप इसे एक्सीडेंट की घटना बोलो। तो इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार, जो कि अपने आप को सुशासन में नंबर 1 बताती है, उनका सुशासन आज किस चरम पर पहुंच चुका है कि जनता जिसे अपना मत देकर विधायक बनाती है उनके हितों की रक्षा करने के लिए, आज वही विधायक खुद रेकी करवा के आम जनता की पिटाई करवा रहे हैं और सिर्फ पिटाई नहीं करवा रहे हैं, जान से मरवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आगर मालवा के विधायक की ये पहली करतूत नहीं है, ऐसी कई सारी करतूतें पहले भी हो चुकी है, कई सारे ऐसे गैर कानूनी काम जो कि आगर के विधायक द्वारा करवाए जा रहे हैं आगर विधानसभा में, और ये उसका एक तरोताज़ा उदाहरण है। तो आप मीडिया के सभी साथियों से मेरी यही विनती है, ये आम व्यक्ति है, ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका जवाब विधायक को सामने आकर देना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के DGP से प्रेस के माध्यम से मांग करता हूं कि जो फरियादी है, जो आज अधमरी हालत में जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन कर रहा है, उनके मांग पर जो कार्रवाई कराना चाहते हैं, FIR दर्ज कराना चाहते हैं, वो FIR दर्ज हो। जी निश्चित तौर पे हम इसके लिए कल आगर में SP कार्यालय का घेराव भी कर रहे हैं और हम SP कार्यालय पे जाके भी ज्ञापन देंगे, हम DGP से भी मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का समय मांगेंगे और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। कुछ वजह सामने क्यों उसकी भी मारपीट की गई? देखिए, ये तो विधायक जी को आके, स्वयं मधु गहलोत जी को आकर बताना चाहिए कि किस कारण से उन्होंने पिटाई करवाई है, क्योंकि फरियादी खुद बोल रहा है कि मुझे विधायक द्वारा खुद धमकियां मिली, विधायक ने ही मुझ पर हमला करवाया है, विधायक के लोगों ने ही आके मुझे मारा है और उसके बाद भी विधायक मेरे घर की रेकी करवा रहे हैं मुझे पिटाई करने के लिए। तो जब ये बयान सामने आ रहा है तो उसके बाद विधायक को उसको लेकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
मैं यही बोल रहा हूं कि फरियादी बोल रहा है, आपके बयान में सुना कि फरियादी का भाई बोल रहा है कि किसी कर्मचारी से कुछ बातचीत हुई या कुछ हुआ, लेकिन जो भी कारण है विधायक को स्वयं मीडिया के सामने आके अपना जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ये पिटाई करवाई या नहीं करवाई, या करवाई तो उसका क्या कारण था, क्यों करवाई। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।